जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूथ गुरुकुल। टुडे वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर 2 सितंबर। सो प्लीज स्टे विथ अस। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सेव वाटर स्कीम टू गेट फ्री वाटर? एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, गोवा, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोवा। अब जानते हैं गोवा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। गोवा की कैपिटल पणजी है और यहाँ के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत और यहाँ के जो गवर्नर है वो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ से हमें एक और चीज़ वो भी याद रखनी है जो स्टेटिक नॉलेज में आती है कि जो गोवा का जो गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो वो जो है वो 19 दिसंबर 1961। और हमारे इंडियन एयरफोर्स ने उसे किससे आज़ाद करवाया था? तो वो पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? विच बैंक हैज रिसेंटली ओपन ऑन अ फ्लोटिंग डल लेक? एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, एसबीआई बैंक ने जो है डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम बनाया है। और यहाँ से जानते हैं एसबीआई के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि एसबीआई जो है वो 1 जुलाई 1955 को फाउंड हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके जो अभी सीईओ हैं वो है दिनेश कुमार खरा, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द खादी इंडिया क्विज कॉम्पिटिशन? ऑप्शंस आर रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू, यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने इस क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज सिंहराज अधाना वॉन इन द 10 मीटर एयर पिस्टल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स रिसेंटली? योर ऑप्शंस आर रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, जो हमारे सिंहराज अधाना जी जो ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्होंने जो है ये कांस्य पदक जीता है अभी 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सबर्ना रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वे कौन है? रिसेंटली सबर्ना रॉय वॉन द टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021, हु आर दे? वो गायक हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, जो सबर्ना रॉय जी जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये एक गायक हैं और इन्होंने जो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 है ये जीता है। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने AIIA में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? रिसेंटली हु हैज़ इनोग्रेट द न्यूट्री गार्डन इन AIIA? आपके ऑप्शन है स्मृति ईरानी, मनसुख मंदाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है वो है स्मृति ईरानी। हमारे केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इसका जो उद्घाटन किया है। और जो AIIA का फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और ये जो न्यूट्री गार्डन, जानते हैं न्यूट्री गार्डन होता क्या है? तो हर प्रकार की जो औषधि वगैरह जो होती है वो न्यूट्री गार्डन में मिल सकती है हमें। तो इसी न्यूट्री गार्डन का जो उद्घाटन है ये इन्होंने किया है। चलिए सेवंथ क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिसेंटली? योर ऑप्शंस आर रजनीश कुमार, पंकज कुमार सिंह, बी वेंकट रमन या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, जो बी वेंकट रमन है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसके अध्यक्ष बन गए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये है कलपक्कम में स्थित है। कहाँ पर है ये? कलपक्कम में स्थित है। चलिए अब चलते हैं सेवंथ एट्थ क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच कंट्रीज क्रिकेटर डेल स्टेन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ऑप्शंस आर इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, जो डेल स्टेन है वो है दक्षिण अफ्रीका की। ये आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं जो डेल स्टेन है, और इन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं इनमें 2004 में डेब्यू किया था, और इन्होंने 93 टेस्ट मैच खेले हुए हैं और 125 वनडे मैच खेले और 47 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, और अब जो है ये संन्यास ले रहे हैं। चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट टू वैक्सीनेट 100% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन रिसेंटली? ऑप्शंस आर जयपुर, पुणे, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, हमारा हमारे प्रदेश का सबसे स्वच्छ हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है वो 100% पात्र आबादी टीकाकरण वाला जिला बन गया है, और इससे पहले भी जो 100% नागरिकों को टीकाकरण करने वाला जो राज्य है वो कौन सा बना है? वो बना है हिमाचल प्रदेश, ये भी हमें याद रखना है। और जो इंदौर है ये 10 लाख आबादी वाला शहर जो है ये 100% आबादी नागरिकों को टीकाकरण करने वाला जिला बन गया है। चलिए चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? हु हैज बीन चूसन बाय एडिडास फॉर इट्स स्टे इन प्ले कैंपेन रिसेंटली? तो आपके ऑप्शन है मेरी कॉम, मीराबाई चानू, स्मृति मंधाना या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही गेस पर कर पा रहे हैं आप। जो मीराबाई चानू है इन्हीं को अभी एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है, और ये जो स्टे इन प्ले प्रोग्राम है इसके तहत जो फीमेल एथलीट्स हैं इनके जो स्पोर्ट्स क्लोथ हैं उन्हें प्रोवाइड कराने का ऐसा ही कुछ ये अभियान है। और अभी जो एडिडास है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली इंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।